इंदौर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर अब कांग्रेस ने भी चिंता जाहिर कर दी है। बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ता सीएमएचओ ऑफिस ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन कार्यालय पर सीएमएचओ मौजूद नहीं थे, इसलिए कांग्रेस ही उन्हें उनकी गैर मौजूदगी में उनकी कुर्सी पर ही ज्ञापन चिपका दिया। इंदौर में कोरोना के खिलाफ कांग्रेस ने राजनीति शुरू कर दी है। इसका एक नजारा सीएमएचओ ऑफिस में देखने को मिला, जहां कांग्रेस ही उन्हें सीएमएचओ की गैर मौजूदगी में उनकी कुर्सी पर ही ज्ञापन चिपका दिया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शहर में लगातार 15 दिनों से कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं, फिर भी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है। कांग्रेसी ने कहा कि कोरोना संक्रमण अपना वार्षिक जन्मदिन मनाते हुए जबरदस्त तरीके से शहर के लोगों को अपने घेरे में ले रहा है। इसके बाद भी इंदौर में जो पिछले साल इस महामारी के चलते कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, वह भी अभी तक नहीं बनाए गए हैं। शहर के अंदर उस प्रकार पूरे शहर के अंदर 200 की संख्या जब पॉजिटिव मरीजों की हुई थी, तब शहर के अंदर सैनिटाइजर किया जा रहा था पूरे शहर को, और जिन एरियो में पॉजिटिव केस मिल रहे थे कोरोना को लेकर के, उन एरियो को सील किया जा रहा था। तो आज वो स्थिति क्यों नहीं बन रही है? रोज हमारे देखने में आ रहा है कि आंकड़े स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए जा रहे हैं, कभी 200, कभी 250, कभी 300, कभी 400, और आज ही 477 नए आंकड़े सामने आए कोरोना को लेकर। तो फिर कोरोना को लेकर ये ढील पोल क्यों चल रही है शहर के अंदर? हमने इस चीज़ को लेकर ज्ञापन देना था आज सीएचओ को, कल हमने इसकी सूचना दे दी थी यहाँ पे आके एक दिन पूर्व कि भैया कल हम कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल कल ज्ञापन देने आएगा। आज आप लोगों ने देखा कि सीएचओ कोई जिम्मेदार अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के अंदर नहीं है, हम लोगों ने हमारे माध्यम से उस ज्ञापन को उनकी कुर्सी पे लगा दिया है। ज्ञापन देने पहुंचे कांग्रेसियों में अनूप शुक्ला, गट्टू यादव प्रमुख रूप से मौजूद रहे। ज्ञापन देने के बाद कांग्रेसियों ने जमकर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारे भी लगाए। लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बच्चियों में से क्या होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बच्चियों में से क्या होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंदौर से मृदुभाषी के लिए यशवंत पवार की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।